जो प्रभुपाद जी के, और वी आर लुकिंग एट सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रभुपाद एंड लॉर्ड रामचंद्र. तीन वर्ड तो हम देखेंगे, ये एक्रोनिम लेंगे RAM, राम. तो पहला है रेजिलियंस. किसी को पता है रेजिलियंस का मतलब क्या है? यस, नॉट गिविंग अप. रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब क्या है कि हम सब कभी कभी नीचे गिरते हैं. तो गिरते हैं हम सब, परिस्थिति विकट हो जाती है हमें, वी हैव सेटबैक्स. तो रेजिलियंस को इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक. कोई स्पोर्ट्स प्लेयर होता है वो कम बैक करता है. कम बैक मतलब क्या है? वो टीम से निकल गया है. कृष्ण बलराम भगवान की. टीम से उसको निकाल दिया है तो, पर बाद में वो अच्छा खेलता है, वापस टीम में जाता है, तो उसको कम बैक कहते हैं. तो सबके जीवन में सेटबैक होते हैं, पर सेटबैक से जो कम बैक है, जो कर पाते हैं, ठीक, उसे हार नहीं मानना पर पुनः प्रयास करना और यशस्वी होना, वह रेजिलियंस का लक्षण होता है. तो अभी अभी हम देखेंगे, सो विल टॉक अबाउट, ये जो ये है, हम चार स्तरों पे देखेंगे कि ये प्रभु श्री रामचंद्र कैसे दिखाते हैं, फिर श्रील प्रभुपाद कैसे दिखाते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसके संघर्ष में भी किस तरह से हम ये देख सकता है ये हुआ है, और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कैसे हम यह अमल कर सकते हैं हमारे जीवन में. तो अभी प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन में जो सेटबैक था, जो एक तरह से विपत्ति थी, सबसे पहले क्या हुआ था? उनका राज्याभिषेक होने वाला था, युवराज बन के फिर राजा होने वाला था, और उस समय एकाएक बिना किसी गलती के क्या हो गया? उनको वनवास में भेज दिया गया. अभी हम सब ने सुना है कई बार वनवास में वो चले गए, पर अगर हम उसकी कल्पना करते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी विपत्ति है. कैसे होता है कि कोई भी समथिंग बैड, कुछ बुरा होता है तो वो सहन करना मुश्किल होता है, पर अगर कुछ बुरा होता है, समथिंग बैड एंड अनफेयर, वो और अच्छा, वो और मुश्किल होता है सहन करना. कभी कभी क्या होता है, मैंने कुछ बुरा कार्य किया है, मैं स्पीड लिमिट के ऊपर चला गया हूँ और फिर जो पुलिस ने पकड़ लिया है तो भी बुरा लगता है मुझे, पर मैंने स्पीड लिमिट के ऊपर तो गया हूँ. पर हम स्पीड लिमिट पे ही ट्रैवल कर रहे हैं और फिर भी हमको पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो तो और बुरा लगता है हमको. तो मतलब क्या है कि हमारी कोई गलती है भी नहीं और तभी हमको पकड़ा जाता है. तो कोई हमारे अनफेयर मतलब क्या है कि नो फॉल्ट, हम कुछ बुरा होता है हमारे साथ, हमारी कोई गलती भी नहीं है, पर सबसे मुश्किल चीज क्या है कि नो फॉल्ट एंड वर्स्ट पनिशमेंट. कोई स्पीड लिमिट के, हम स्पीड लिमिट के ऊपर गए ही नहीं है और उनको कहते हैं तुमको तुमको फांसी की सजा दी जाती है. अरे ये क्या बकवास है भाई, अरे गलती की भी नहीं है बिल्कुल. तो एक तरह से प्रभु श्री रामचंद्र ने कभी किसी को किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था. उन्होंने वो कैकेयी को अपने माँ के समान ही आदर दिया करते थे, और उन्होंने कैकेयी के लिए कुछ भी बुरा नहीं किया था, और फिर भी क्या हो गया उनके साथ? उनको वनवास भेज दिया गया. तो अभी जो है, एक तरह से जो वनवास होता है, ये जो था, ये प्रभु रामचंद्र का राम्स एग्जाइल. इट इज नो फॉल्ट एंड द वर्स्ट पनिशमेंट. ऐसी विपत्ति जब आती है ये बड़ा मुश्किल है. अभी एक तरह से एग्जाइल, एग्जाइल और वनवास है, और दूसरा है एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन मतलब किसी का सिर काट देना, किसी को मृत्यु दंड दे देना. तो जो लीगली है ना, वो नियम के दृष्टि से एग्जाइल इज जस्ट वन सेंटेंस लेसर देन एग्जीक्यूशन. किसी को वनवास में भेजना उसको मृत्यु दंड देने से सिर्फ एक स्तर नीचे है वो.
एक तरह से वनवास ये उम्र कैद से भी कभी कभी और बुरा माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी को वनवास में भेजते हैं, मतलब एवरीथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम देम एक्सेप्ट देयर लाइफ. वो वनवास में जाते हैं तो कुछ भी उनके पास नहीं है, अपने संपत्ति नहीं है, अपना कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो ये बहुत बुरी सज़ा है. तो अब जब भी कोई कोई परदेश से कोई लोग आते हैं किसी देश में और वो गैरकानूनी रूप से आए तो उनको डिपोर्ट करते हैं. तो वो डिपोर्टेशन है, आजकल के समाज जीवन में डिपोर्टेशन इज द नियरेस्ट वी कैन गेट टू एग्जाइल. आजकल किसी को वनवास में भेजते नहीं है क्योंकि वन है ही नहीं ज़्यादा करके पर ये बहुत बुरी सज़ा है. पर क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र ने उसको बिल्कुल नकारात्मक रूप से नहीं लिया. उन्होंने क्या किया, ही डिड थ्री थिंग्स ओवर देयर एग्जाइल में. सबसे पहले ही गॉट द एसोसिएशन ऑफ द सेजेस, और उससे उन्होंने कहा कि हम और बोले कि मुझे और ज्ञान मिल सकता है और मैं चरित्र का विकास कर सकता हूँ. तो उन्होंने उसको एक मौके के रूप में लिया और उसका एक सकारात्मक उपयोग किया. फिर दूसरा उन्होंने क्या किया, न केवल उनका संग लिया पर उनकी सेवा की उन्होंने. और वो सेवा किस तरह से कर रहे थे कि कभी कोई कोई राक्षस वगैरह आया करते थे तो राक्षसों का वध करते थे. और फिर उसके बाद में उस समय ये दूसरी सर्विस का ही थर्ड पार्ट था, ये एक अलग पार्ट था कि क्या है उन्होंने कि किलिंग ऑफ रावण. तो अभी प्रभु श्री रामचंद्र जो थे एक तरह से वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय मतलब कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है, पर फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र चाहते थे कि हिंसा जितना कम करे उतना कम हो. इसीलिए हम उसको एंड में आएंगे वापस, आखिरी गुण जब हम देखेंगे तो क्या है कि हमें सब हम सबको ये देखना ज़रूरी है किस तरह से कि प्रभु श्री रामचंद्र ने जब तक रावण ने उनको प्रवोक नहीं किया, रावण ने जब सीता का अपहरण नहीं किया, रावण बड़ी समस्या कर रहा था पर प्रभु श्री रामचंद्र ने ठीक है वो राक्षस है, उसके राक्षस की प्रवृत्ति है, उसे कार्य करना है करने दो. पर जब उन्होंने सीता का अपहरण किया उसने, और न केवल सीता का अपहरण किया, कई चेतावनियाँ देने के बावजूद जब उसने कुछ बात मानी नहीं तभी उन्होंने युद्ध किया. और उसके बाद में क्या हुआ, देर वॉज अ विक्टोरियस रिटर्न. जब पूरा यशस्वी होके प्रभु श्री रामचंद्र वापस आए और फिर उनका पट्टाभिषेक अलंकृत राम. तो रेजिलियंस मतलब क्या है, बड़ी विपत्ति में चले गए पर वो विपत्ति में भी उन्होंने बहुत कुछ किया और वो वापस आएगा जब राज्य में तो क्या हुआ, उनका एक राज्याभिषेक जैसे हो गया. तो अगर हम प्रभुपाद जी को देखते हैं तो प्रभुपाद जी को किसी ने वनवास में नहीं भेजा था, पर एक तरह से प्रभुपाद जी की दृष्टि से जब वो वृंदावन ये एक वन है वो छोड़ के अमेरिका में जाए, वो कॉन्क्रीट वन था वो वो एक तरह से जो भागवतम के पांचवें स्कंद में बताया गया है, जो हम साधारणतः भव सागर बोलते हैं पर पांचवें स्कंद में भव अरण्य बताया गया है वो. तो प्रभुपाद जी क्या था, वो गए वृंदावन से वो अमेरिका चले गए. अभी जब कोई अमेरिका जाता है भारत से तो उनके आँखों में ऐसे तारे चमक रहे होते कि मैं तो आध्यात्मिक जगत में ही पहुँच गया ऐसे लगता है. मैं जब लगभग 25-26 साल पहले ब्रह्मचारी बन गया था तो तभी मुझे अमेरिका जाने का मौका था. मेरे एक मामा हैं, उनकी खुद की कंपनी है अमेरिका में, और उनका कोई ही डिडंट हैव अ मेल आयर, उनका कोई बच्चा नहीं था. तो उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे मैं उनकी कंपनी संभालूँ. तो मैंने उनको निराश कर दिया तो उसके बाद मेरे सारे रिश्तेदार जो थे मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, सब रूठ गए थे. तो लोग अब लगभग 10 साल पहले 2013-14 में पहली बार मैं अमेरिका गया था. जब अमेरिका से वापस आ गया तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझे फ़ोन कर रहे थे और बोले थे अभी तो अमेरिका जाके तुम्हारा जीवन यशस्वी हो गया अभी तो ये कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जाना मतलब क्या है कि
आपके बहुत बड़ा सपना है जो पूरा हो गया है। मैं भी कुछ समय हैदराबाद में था, पहले हैदराबाद में था, हैदराबाद में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर को कहते हैं वीज़ा गणेश मंदिर, कि गणेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे हमारे समस्या कोई शुरू करना है काम उसमें जो व्यक्ति है उसको निकालते हैं। तो मुझे अमेरिका जाना है या अमेरिकन एम्बेसी जो है उसे वीज़ा मिलना बड़ा व्यत्यय है, तो वो गणेश स्पेशलाइज करते हैं, वो उनका मॉडर्न स्पेशलाइजेशन है सैंक्शनिंग वीज़ा। तो ये मैं कहने की बात है कि बहुत बड़ी बात है सबके लिए, खासकर भारत में जो है अमेरिका जाने के लिए। पर प्रभुपाद शायद पहले व्यक्ति होंगे जो अमेरिका गए और वो क्या कहते हैं, अपना जिन्होंने संगीत बनाया है, गीत बनाया है उन्होंने, बोड़ो कृपा कोइल कृष्ण अधमेर प्रति की लागिया अनिले हेता कोरो ए बेगति, आचे किचु कार्य तबे एई अनुमाने नाही केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने। तो अमेरिका को प्रभुपाद जी उग्र स्थान कहते हैं। तो शायद ही कोई भारत भारतीय ने अमेरिका जाकर उग्र स्थान वो कहे, वो अमेरिका जाते तो वो कहते भारत ही उग्र स्थान है शायद भी अमेरिका तो बड़ा सौम्य स्थान है लोग कहते। पर प्रभुपाद जी क्या देख रहे थे, तो प्रभुपाद जी को वो ये नहीं देख रहे थे कि वहाँ पे भौतिक समृद्धि है, वहाँ पे तंत्र ज्ञान है, देख रहे थे वो, पर प्रभुपाद जी देख रहे थे कि वहाँ पे स्पिरिचुअल बैंक्रप्टसी है, वहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ नहीं है। और प्रभुपाद जी जब उनकी पहली गौर पूर्णिमा हुई, प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के एक दिन पहले निकले थे, तो जन्माष्टमी और फिर उनका जो जन्मदिन था वो प्रभुपाद जी ने जलदूत में वो जो शिप था उसी में सेलिब्रेट किया। फिर बाद में वो अमेरिका में गए और जो पहली गौर पूर्णिमा वहाँ पे हुई थी, तभी प्रभुपाद जी को कोई अनुयायी नहीं थे। तो तभी प्रभुपाद जी अपने डायरी में लिखते हैं कि मेरे सारे गुरु भाई है वो वृंदावन मायापुर में वो गौर कथा सुन रहे होंगे, गौर कीर्तन कर रहे होंगे, और यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं जो जानता है कि गौरांग महाप्रभु कौन है। तो मैं बड़ा अकेलापन यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव का आदेश है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं ये कहने का उद्देश्य है कि प्रभुपाद जी क्या था कि अमेरिका जो था वो एक तरह से वनवास के समान ही था, क्योंकि वो वन में, कोई वनवास मतलब क्या है, जो हमारे करीब है, जो हमारे प्रिय है, उन सब से हमको दूर जाना पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी कृष्ण वृंदावन मायापुर ये जो जगह थे उनसे दूर गए थे। पर प्रभुपाद जी उस वनवास में क्या किया, वहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने बड़ा पराक्रम, कैसे जैसे प्रभु श्री रामचंद्र ने पराक्रम किया वहाँ पे, तो कुछ चीज़ों पे ऑफ कोर्स फ़र्क है। पर प्रभु श्री रामचंद्र संतों से मिलते थे और उनसे सदुपदेश सुन रहे थे, प्रभुपाद जी स्वयं ही संत थे वो, तो वो सदुपदेश सुना रहे थे। पर जो प्रिंसिपल था कि जो विपत्ति थी, विपत्ति में प्रभुपाद जी ने केवल विपत्ति नहीं देखी। अभी मैं अभी एक वरिष्ठ भक्तों से बात कर रहा था कि वो प्रभुपाद जी के जीवन पे एक बुक लिख रहे हैं, वो खास करके प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन पे। तो मैं उनको बात कर रहा था कि उनका क्या अनुभव है, कि उनको जो क्या अभी थोड़ा मुश्किल है वो किताब लिखना, क्योंकि जो उस समय के जो सब लोग थे वो तो चले गए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे है, जो भी योजनाएं प्रभुपाद बना रहे थे, प्रभुपाद जी ने बहुत सी योजनाएं बनाई थी। अगर आप देखते हैं प्रभुपाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में प्रभुपाद जी ने अपना पहले बिजनेस चालू किया था, फिर वो बॉम्बे में आए थे, और फिर बाद में वो प्रयाग में गए, प्रयाग फार्मेसी था उनका। तो अभी देखेंगे आप, कलकत्ता, मुंबई और प्रयाग, ये तीनों भारत के अलग अलग कोनों में हैं, और इतना लोग उस समय ट्रैवल नहीं किया करते थे। न केवल प्रभुपाद जी इतना ट्रैवल कर रहे थे, पर उन्होंने अपना पूरा बिजनेस यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया था, अपने परिवार के साथ वो शिफ्ट हुए थे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद जी अपने बिजनेस में भी बहुत प्रयास कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ भौतिकवादी थे, पर उनकी इच्छा थी कि वो बिजनेस में यशस्वी होकर फिर वो अपने गुरुदेव के आंदोलन में वो सहयोग कर सके कोई आर्थिक रूप से। पर क्या प्रभुपाद वॉज अ हार्ट प्रीचर, तो कोई दवाई के लिए आता था, दवाई के साथ प्रभुपाद जी उनको प्रचार करने लगते थे। तो प्रभुपाद जी के लिए वो क्या था, दैट वॉज, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो एक तरह से जब हम कुछ सेवा करने का प्रयास करते, रेजिलियंस जो हम बता रहे हैं, इसका क्या है कि कभी कभी क्या होता है, आवर प्लान्स आर अनसक्सेसफुल। हम जो योजनाएं बनाते हैं
वो कभी यशस्वी नहीं होती है, पर आवर पर्पस विल बी सक्सेसफुल. जो हमारा हमारी योजनाएं हैं कभी कभी यशस्वी नहीं होती है, पर हमारा उद्देश्य जो है वो यशस्वी होता है. तो मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी ने ऐसे प्लान नहीं किया था मैं अमेरिका में जाऊंगा और हिप्पी लोगों से मिलूंगा और हिप्पी लोगों से प्रचार करूंगा. जब प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए थे उनको हिप्पी क्या है ये पता भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही विलक्षण चीज, विलक्षण नमूना था एक तरह से. इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेनोमेना कि लोग बड़े ऐश्वर्यशाली परिवार में जन्म हुए और सब कुछ छोड़ के वो नशा पान कर रहे. क्यों? क्योंकि क्योंकि नशे से उनको अध्यात्म मिलेगा, ऐसे उनकी भावना थी. तो प्रभुपाद जी का प्रचार उन लोगों को हुआ. तो जो रेजिलियंस, मतलब कई बार क्या होता है कि हम सब अपनी योजनाएं बनाते हैं कि मुझे मेरा जीवन ऐसे जाना चाहिए, मुझे ये ऐसे करना है. तो और कभी नहीं होता है तो फिर हताश हो जाते हैं. तो हमें अगर हमारे जीवन में रेजिलियंस रखना है तो हमें क्या करना है. एक एक्सट्रीम है कि हम बहुत वी बिकम अटैच्ड टू आर प्लान्स. हम हमारी योजना बनाते हैं और उससे बहुत आसक्त हो जाते हैं. तो मुझे ऐसे ही करना है, और जब वो नहीं होता है तो फिर क्या होता है, हम पूरा डिस्करेज हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं. मुझे ऐसे, प्रभुपाद जी अगर अटैच होते अपने प्लान्स के, मुझे बिजनेस करना है, तो प्रभुपाद जी 50, 60, 70 साल तक अपना बिजनेस ही ट्राई करते रहते थे. पर प्रभुपाद जी क्या कहता कि वो अपने प्लान्स से आसक्त नहीं थे. ये प्लान नहीं हुआ वो ट्राई करते, वो प्लान नहीं हुआ वो ट्राई करते. पर कभी कभी क्या होता, जब हम एक प्लान बनाते हैं उससे बहुत आसक्त रहते, वो प्लान नहीं हुआ है तो फिर हम हताश हो जाते. नहीं तो फिर क्या होता है, दूसरा एक्सट्रीम है कि बिकम डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग. हम पूरा हताश हो जाते हैं. ये डिटैच नहीं है, ये भी मोर लाइक, इसको डिटैच कह सकते हैं हम, पर ये बिल्कुल मोर लाइक अपैथेटिक. अपैथेटिक मतलब किसी चीज़ में कुछ उत्साह है ही नहीं किसी चीज़ को. फ्रॉम एवरीथिंग क्या, प्लान्स एंड पर्पस. कि हम योजना भी नहीं बनाते हैं, कुछ उद्देश्य भी नहीं रखते, छोड़ दो हम प्रचार करने, हम एक जगह जाते हैं कुछ प्रचार करने का प्रयास करते हैं और प्रचार होता नहीं है, लोग कुछ रुचि नहीं रखते तो सोचते हैं छोड़, बोलते क्या कुछ होता ही नहीं, छोड़ दो, लोगों में कुछ रुचि नहीं है, मैं ही पतित हूँ, कुछ होने वाला नहीं है. पर ऐसे नहीं था, प्रभुपाद जी को यश नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ नहीं दिया. तो जो हमारा जो सेवा भाव है, जो अगर हमको रेजिलियंस चाहिए हमारे जीवन में, तो रेजिलियंस के लिए हमें क्या चाहिए कि अटैच्ड, जैसे को बोल सकते हैं फिक्स्ड इन पर्पस. हमारे उद्देश्य में हम फिक्स रहते हैं, फ्लेक्सिबल इन प्लान्स. कि मेरा उद्देश्य है कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान का प्रचार करना है, पर जो योजना है ठीक है, ये योजना काम करे अच्छी बात है, योजना काम नहीं करेगी तो योजना ट्राई करते, वो योजना नहीं काम करेगी तो ट्राई करते. तो प्रभुपाद जी पहले बटलर पेंसिल्वेनिया में थे, फिर उसमें फिलाडेल्फिया में गए, फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क में गए, और इन तीनों जगह में कुछ यश नहीं मिला. फिर न्यूयॉर्क के जो थोड़ा ऐश्वर्यशाली जगह थे उससे फिर वो लोअर ईस्ट साइड में गए जहाँ पे जो है हिप्पी लोग रहते, फिर वहाँ पे उनको यश मिला. तो हमें जब रेजिलियंस रखना है तो क्या है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या भगवान चाहते हैं हम ये करें, ये हमको पहले से पता नहीं होता है. तो अगर हम उद्देश्य में फिक्स रहते हैं और योजना ठीक है, योजना काम करती है अच्छी बात है, योजना काम नहीं करती ठीक है अच्छी बात है. तो अभी जो 500 सालों से जो राम मंदिर बनाने का प्रयास हो रहा था, अलग अलग तरहों से प्रयास हुआ है, कुछ योजनाएं यशस्वी हुई कुछ यशस्वी नहीं हुई. तो कुछ कोर्ट केसेस हुए वो यशस्वी नहीं हुए, कुछ कोर्ट केसेस यशस्वी हुए, अलग अलग प्रयास किया, पर इवेंचुअली जो था ठीक है, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, इस पद्धति से नहीं हुआ, उस पद्धति से नहीं हुआ, हम प्रयास करते रहे. तो ये फिक्स्ड इन पर्पस, फ्लेक्सिबल इन प्लान्स, इसका उदाहरण क्या है, गंगा किस तरह से सागर की ओर जाती है. जब गंगा जब सागर की ओर जा रही है तो क्या होता है, कभी कभी उसके बीच में बड़ा पत्थर आ जाता है, तो बड़ा कोई पहाड़ आ जाता है शायद, तो फिर कभी कभी गंगा क्या करती है, उसके नीचे से चली जाती है, कभी उसके एक साइड से जाती है दूसरे साइड से जाती है, या कभी कभी उसको ही लगा पानी आते रहता है रहता है, फिर वो इरोड हो जाता है, फिर उससे ही मार्ग निकाल लेती है. तो गंगा का उद्देश्य सागर की ओर जाना,
पर किस मार्ग से सागर की ओर जाना है वो ठीक है, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो त्वयी में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहताद अद्धा गंगे वगमुदनवती। जिस तरह से गंगा जाती है हमेशा सागर की ओर, वैसे हमें भी सागर की ओर जाना है। तो जो अभी ये रिवर और ओशन, ये जो मेटाफर है, ये जो उपमा है नदी और सागर, ये इम्पर्सनलिस्ट यूज़ करते हैं, जो अद्वैतवादी यूज वक्त है अद्वैतवादी लोग हैं वो यूज़ करते हैं, और वो भक्त भी यूज़ करते हैं। तो जो अद्वैतवादी यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि एंड पॉइंट, जैसे नदी सागर में चली जाती है और उसके बाद एक हो जाती है, वैसे हम एक हो जाते हैं। पर जब भक्त यूज़ करते हैं वो फ्लो के लिए यूज़ करते हैं, इसे क्या है एंड पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस। वो सोचते हैं कि क्या है? जैसे हम जैसे नदी सागर में जाके मिल जाती है, वैसे हम परम सत्य में जाके लीन हो जाएंगे। पर भक्त कहते हैं इट इज़ फॉर द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जिस तरह से नदी हमेशा सागर की ओर बहती रहती है, वैसे हमारी चेतना हमेशा भगवान की ओर बहती रहे। तो एक व्यक्ति आ जाए तो किसी और पद्धति से, ये नहीं हो रहा है तो वो करेंगे, वो नहीं हो रहा है तो वो करेंगे। तो उसी तरह से ये रेजिलियंस है कि ठीक है मैं ये सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इस पद्धति से, मेरी चेतना भगवान की ओर नहीं जा रही है तो उस पद्धति से जाएगी, उस पद्धति से नहीं तो उस पद्धति से जाएगी। तो अभी ये रेजिलियंस कैसे रखते हैं हम, कौन सा एक्रोनिम यूज़ कर रहे हैं, राम। तो ए जो है ये है एडियरेंस। एडियरेंस मतलब ये शायद आपको, किसी को पता है एडियरेंस का अर्थ क्या है? एडियर, एडहेसिव सुना है आपने, एडियर या एडहेसिव, केमिस्ट्री में आपने शायद सुना होगा, जो चिपकाने के लिए हम यूज़ करते, कोई एडहेसिव यूज़ करते। तो एडियरेंस टू धर्मा, टू इंस्ट्रक्शन। कि अभी जो रेजिलियंस है वो भौतिकवादी लोग भी रख सकते हैं कि हम हार जाते हैं, पुनः उठते हैं, पुनः प्रयास करते हैं। पर जब हम आध्यात्मिक दृष्टि में कर रहे हैं तो क्या हमारा धर्म जो है, हमारी सेवा जो है, उसमें हम जुड़े रहते हैं, एडियरेंस टू धर्म। तो प्रभुपाद जी का क्या, जब अभी तो प्रभु श्री रामचंद्र जब वनवास में गए तो एक तरह से क्या हुआ कि जब हमारी हमको सर्विस होती है, हमको कोई सेवा होते हैं, हमारी कोई ड्यूटी होती है, तो उसके लिए एक तरह से एक है फैसिलिटी, उसके लिए कोई सुविधा होती है। अभी मान लीजिए हमको प्रचार करना है तो फिर सुविधा क्या है, कोई साउंड सिस्टम चाहिए, किसी ने कोई पब्लिसिटी करना चाहिए किसी का, फिर लोग आते हैं प्रोग्राम के लिए, तो कोई पब्लिसिटी करने वाला, कोई साउंड सिस्टम सेटअप करने वाला, कोई प्रोग्राम होस्ट करने वाला, ये सब फैसिलिटी है। पर फैसिलिटी के साथ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई प्रचार करना चाहता है तो क्या उसको प्रचार करने का की जिम्मेदारी लगती है उसको, मुझे प्रचार करना है ये कि, तो अगर वो जिम्मेदारी है तो फिर जो बोलने वाला है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और फिर वो अच्छी तरह से क्लास देंगे। कई बार क्या होता है कोई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास फैसिलिटी है ही नहीं, तो वी आर मोर ईगर फॉर फैसिलिटी देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे और सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव नहीं होता है। अभी प्रभु रामचंद्र जब जंगल में गए तो क्षत्रिय की कोई भी फैसिलिटी उनके पास नहीं था, क्षत्रिय मतलब उनके राज्य होता है, सेना होती है, पर कुछ नहीं था। पर फिर भी उन प्रभु रामचंद्र के पास जिम्मेदारी का भाव था। क्या जिम्मेदारी का भाव, कि मैं क्षत्रिय हूँ मतलब मुझे ब्राह्मणों के साधु संतों की सेवा करनी है, मुझे जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसको संरक्षण करना है। तो अभी राम इन एग्जाइल जब जंगल में, तो क्या था, नो फैसिलिटी बट डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र ने दर्शाया, इसीलिए वो वहां पे कोई सेना नहीं थी फिर भी वो असुर से युद्ध कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने वानरों के साथ संधि बनाई तो अभी हनुमान जी और कुछ वानर तो बहुत बड़े शक्तिशाली थे, पर बाकी सब वानर इतने बड़े योद्धा नहीं थे,
पर वानरों की सेना के साथ उन्होंने युद्ध किया, और वो भी क्या था, प्रभु श्री, वो रावण जैसे, एक तरह से कह सकते हैं कि रावण जो थी उसकी सेना हाईटेक थी पूरी, प्रभु और हनुमान जी के पास और वानरों के पास कोई शस्त्र थे ही नहीं, वो पत्थर उठाते थे, पेड़ उठाते थे, अपने बुक्के मारते थे, वो ऐसे युद्ध कर रहे थे, तो उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, पर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हम हमेशा बहुत बड़ा आसान है कंप्लेन करना कि मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। जब प्रभुपा जी जब अमेरिका गए थे तो उनके पह जो मैं पिछलो मार्की ने भागवत धर्म जो गीत गाया था, तो पहली पंक्ति क्या है, बोरो कृपा कोयले कृष्ण, कि कृष्णा आपने बड़ी कृपा की है मुझ पर। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मैं सोच रहा था ये क्या कृपा है, प्रभुपा जी अकेले अमेरिका गए हैं, उनके पास कोई फॉलोवर्स नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है। प्रभुपा जी कितने पैसे लेके गए थे उनके साथ, 40 रुपये, और आपको पता है 40 रुपये का क्या हुआ, हाँ जब 68 में प्रभुपा जी वापस जब आए तो वो तभी एयरप्लेन से आए, और एयरप्लेन से जब वहाँ से उतरा तो उन्होंने रिक्शा लिया, ये वो जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर जाने के लिए, तो उस रिक्शा के लिए उन्होंने 40 रुपये इस्तेमाल किया, तो मतलब उसका कुछ यूज़ भी नहीं किया उन्होंने बिल्कुल। तो प्रभुपा जी का क्योंकि 40 रुपये यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो क्योंकि उस समय इंडियन करेंसी अमेरिका में कन्वर्ट करना भी बड़ा मुश्किल था। तो पॉइंट था प्रभुपा जी का कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रभुपा जी कह रहे हैं कि क्या है, कृष्णा आपने मुझे बड़ी कृपा की है। क्यों कृपा की है, क्योंकि क्या है कि प्रभुपा जी सोच रहे हैं कि मुझे उनकी प्रभुपा जी को सुविधा नहीं है, पर प्रभुपा जी को लग रहा है कि मुझे कम से कम अभी एक मौका तो मिला है कि मेरे गुरुदेव के आदेश का पालन करने का। तो अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम फैसिलिटी नहीं देखते हैं, हम केवल एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि प्रभुपा जी देख रहे थे कि अभी तो मेरा उम्र बढ़ गया है, जीवन का अंत आ गया है, पर इस अंत के समय में मुझे मौका तो मिला है सेवा करने का, मेरे गुरुदेव के आदेश का पालन करने का। तो जब हम एडहियरेंस कहते हैं, एडहियरेंस का मतलब क्या है कि मेरे पास सुविधा है या नहीं ये नहीं देखते हम, मेरे पास मौका है क्या, मौका है तो हमारे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के भाव के कारण जो भी मौका हो, कितना छोटा सा भी मौका क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसको इस्तेमाल करके हम उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, तुरंत हम जो उचित कार्य है वो करने का प्रयास करते हैं। तो शायद हम है कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं कि हमारा ओजस्वी वाणी नहीं है, हमको ज़्यादा हास्य नहीं, विनोद जोक्स नहीं करते हैं, या हम में कोई ऐसे कैरिज्मा नहीं है कि हज़ारों लोग आएंगे हमारे, पर एक व्यक्ति से भी हमें बात करने का मौका मिल रहा है, दो व्यक्तियों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो वो जो मौका है उसे हम स्वीकार करते हैं। तो एडहियरेंस मीन्स कि वी डोंट डिमांड फैसिलिटी, वी टेक अपॉर्चुनिटी विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम मौका लेते हैं एक जिम्मेदारी के भाव के साथ। और एक तरह से जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया तो ऐसी आशा थी, स्वतंत्र हो गया, कि अभी स्वतंत्र भारत में जो वैदिक संस्कृति है, वो योग संस्कृति है, उसका प्रचार करने का बहुत बहुत उसकी बहुत सुविधा मिल जाएगी। बहुत से जो भारत के स्वतंत्र आज़ादी के प्रयास करने वाले जो नेता थे वो काफ़ी कुछ हद तक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, पर क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई 1947 के बाद जो पार्टीशन हुआ हमारा, तो उसमें ऐसे ऐसे लोगों को लगा कि सरकार ने ऐसे प्रतीत करवाया कि ये धर्म के कारण हुआ है, और इसीलिए अगर भारत को प्रगति करना है तो रिलीजन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पब्लिक स्क्वायर, कि धर्म को समाज में कुछ रोल ही देना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके बाद में गांधी जी की हत्या हो गई, और उसका पॉलिटिकल रीज़न था, पर वो उसको हिंदूज पे ब्लेम कर दिया, और इसके कारण क्या हो गया, एक तो रिलीजन को बुरा नाम दे दिया, पर खास करके हिंदुइज्म को सबसे बड़ा बुरा नाम दे दिया कि हिंदूज आर ऑल एक्सट्रीमिस्ट, हिंदूज आर ऑल फैनेटिक्स। तो उसके कारण क्या हो गया, काफ़ी सालों तक जब जो लोग चाह रहे थे कि थ्रू द पॉलिटिकल स्फीयर
राजनीतिक दृष्टि से भारत का स्पिरिचुअल रिजुविनेशन करे, उनके पास कुछ भी नहीं था। एक तरह से जो फैसिलिटीज रिवर्स हो गई थी, जब सब जब ब्रिटिश थे पहले आए थे 1857 के म्यूटिनी के पहले, तो उस अभी मैं कुछ समय पहले जगन्नाथपुरी गया था, तो तभी जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती थी तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपने जो गार्ड से उनको एस्कॉर्ट करती थी, और जैसे कोई VIP आता है तो गोली मारते हवा में, तो जगन्नाथ जी जब बाहर आते थे वो गोली मारा करते थे। तो उनको क्या, ब्रिटिश पहले जब आए थे वो कहते कि ये भारतीय लोग बड़े धार्मिक है और हमें उनका कुछ उनके धर्म में हमको इंटरफियर नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि उनको हमको यहाँ पे हम बिजनेस के लिए आए हैं, हमें धर्म के बारे में कुछ नहीं करना है। पर क्या हो गया, 1857 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल ले लिया, और तभी ब्रिटिश इलेक्शंस में जो पार्टी टॉरी पार्टी थी, जो बहुत ही क्रिश्चियन पार्टी है, वो पावर में आ गई, और उन्होंने कहा ये भारत तो इतना बड़ा देश है और यहाँ पे हमको इस पर रूल करने का मौका मिला है, तो इसको हमको रिलीजियस कन्वर्जन करना चाहिए। तो मैं कहने का मतलब है कि जो सुविधा थी वो धीरे धीरे चली गई, कम होती गई, पर इससे कोई हताश हो सकता था। पर क्या हो गया, जो राम भक्त थे, जिनमें राम में श्रद्धा थी, उन्होंने प्रयास करते रहे वो। तो एडियरेंस मतलब क्या, जो हमारा उद्देश्य है। अभी कोई कहते हैं ये पॉलिटिकल हो गया है, हाँ कैसे पॉलिटिक्स ये एक तरह से हर जगह में आता है। सी वी मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन अस। हमें पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं होगी पर पॉलिटिक्स को हम में रुचि है। मतलब क्या है, पॉलिटिक्स से जो परिणाम होता है वो हम सब पे भी होता ही है। तो पॉलिटिक्स के दो अर्थ होते हैं। पॉलिटिक्स का एक अर्थ है द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, और पॉलिटिक्स का दूसरा अर्थ है कि मैनिपुलेशन और बैकबाइटिंग। तो क्या है, दूसरों के बारे में झूठ बोलना, उनके पीछे कुछ षड्यंत्र करना। तो हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब क्या है, ये मैनिपुलेशन बैकबाइटिंग उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर जो किस तरह से राज्य कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। एक तरह से कहते हैं, हम देखते कृष्ण जब भगवान अवतार लेते हैं, पूरे अवतार का उद्देश्य क्या है, पॉलिटिकल चेंज कराना। और भगवान क्या कहते हैं, विनाशाय दुष्कृताम परित्राणाय साधुना। मतलब क्या है कि जो अनैतिक राजा है उनको निकाल दे और जो नैतिक राजा है उनको प्रस्थापित करे। तो राम राज्य जो है उसका उद्देश्य क्या है, एक तरह से पॉलिटिकल चेंज है। तो पॉलिटिक्स का दो अर्थ है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेगेटिव, क्या है, मैनिपुलेशन। वो तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो मतलब क्या है, तुम इससे जुड़ रहे हो, तुम इसके बुरा बोल रहे हो, तुम इसको ये कर रहे हो, उस अर्थ में हमें इंटरेस्ट नहीं है। पर जो सकारात्मक अर्थ है ये है एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कोई शब्द होता है पॉलिटिकल साइंस, जो विषय होता है स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, तो क्या है उसमें ज़रूर हमें इंटरेस्ट है। पूरा अवतार जो आते हैं उनका उद्देश्य क्या है, यह चेंज लाना। तो धर्म का एक उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब क्या है, वो एक अच्छा, भगवान चाहते हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रूल में आए। तो ये दूसरी चीज़ है कि एडियरेंस, हमें धर्म में हमें लगे रहना है। तो धर्म में लगे रहना है मतलब क्या है, हमारा जो कर्तव्य है। एडियरेंस मतलब कि हम वी कंटिन्यू विथ अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका है उसको हम स्वीकार करते हैं, अपॉर्चुनिटी इवन विदाउट फैसिलिटी। अगर हमें कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है पर जो भी मौका है उसको स्वीकार करते रहे, और धीरे धीरे कुछ सुविधा मिल जाएगी, छोटी सुविधा मिलेगी, फिर बड़ी सुविधा मिलेगी, फिर और बड़ी सुविधा मिलेगी, और फिर उससे प्रचार बढ़ते जाएगा। अभी प्रभुपाद जी 1970 में या 71 में एक लेक्चर देते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भारत में है, दिस मूवमेंट इज़ फ्रॉम इंडिया, ये भारत से आंदोलन है और इस आंदोलन में मैं अकेला भारतीय हूँ। क्योंकि तब तक कोई ज़्यादा भारतीय लोग आए नहीं थे। पर क्या हुआ, अभी देखिए हज़ारों लाखों की मात्रा में आ रहे हैं लोग। तो प्रभुपाद जी का एडियरेंस था कि मैं सुविधा हो या ना हो प्रचार करते रहूँगा। और एक तरह से प्रभुपाद जी के समय में 1977 तक ज़्यादा कुछ उनको भारत में यश नहीं मिल, इन तब तक कोई मंदिर बने नहीं, ज़्यादा पूरे नहीं हुए, ज़्यादा वृंदावन मंदिर पूरा हो गया था पर जुहू मंदिर पूरा नहीं हो पाया। और फिर उस समय ज़्यादा लोग भक्त नहीं बन रहे थे, काफ़ी लोग लाइफ मेंबर्स बन गए थे, पर प्रभुपाद जी के बाद में
खासकर 1980s के बाद 1985-87 से 1980 से प्रचार बहुत 1990 से प्रचार बहुत बढ़ गया और भारत में अभी तो एक तरह से इसे एक फ्लड ऑफ डिवोशन आ रहा है। तो एडियरेंस अगर हमारा जो धर्म है हमारा जो कर्तव्य है हमारा जो गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है वो अगर पूरा करने का हम उसमें बने रहेंगे तो फिर ज़रूर हमको यश मिलेगा। और आखिरी पार्ट है एम, एम इज म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस का मतलब क्या है? उदार्य, जेनरोसिटी, चैरिटी। तो अभी क्या है कि जब युद्ध होता है, कभी कभी युद्ध करना ज़रूरी होता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र का युद्ध हुआ रावण के साथ, तो जो युद्ध के बाद क्या हुआ ये महत्वपूर्ण है। युद्ध के बाद प्रभु श्री रामचंद्र ये नहीं कहा ये लंकावासियों ने मेरी सीता का अपहरण किया है, मैं पूरी लंका को चला दूंगा, नहीं, उन्हें रावण का वध किया। और विभीषण जब कह रहा था कि फिर प्रभु ने विभीषण से कहा कि तुम जो है तुम क्या करो, रावण का अंत संस्कार करो अभी। और विभीषण ने कहा कि ये तो इतना क्रूर व्यक्ति था, इतना दुष्ट व्यक्ति था, ये इसने आपकी जो भार्या है, आपकी जो रानी है, उसको अपहरण किया है, उसका अंत संस्कार भी नहीं करना चाहिए। अब प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि ऐसे भाव रख के तुम दूषित हो जाओगे, कि भले ही उसने उसका कर्तव्य नहीं किया है, वह अपने कर्तव्य खिलाफ गया है, उसके कार्य के कारण तुम अपना कर्तव्य मत भूलो। उन्होंने भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से कहा उन्होंने कि आत्मा जो है, आत्मा का कोई दोष नहीं होता है, तो आत्मा का जो अगला गंतव्य है उसको जाने के लिए तुम मदद करो। और भौतिक दृष्टि से उस ही दैट पर्सन मे नॉट हैव डन देयर ड्यूटी, बट तुम अपनी कर्तव्य करो। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र का जो उदार भाव है, प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका को उध्वस्त नहीं किया, लंका को उन्होंने अयोध्या का भी एक अंश बना लिया, इट डिड नॉट एनेक्स लंका। एनेक्स मतलब क्या है, वो राज्य को उध्वस्त करना, हमारा ही राज्य में एक आ जाएगा। जो लंका का ही एक व्यक्ति था, कौन था, विभीषण, उसको लंका का राजा बना दिया। तो उसका तो जो जैसे कहते हैं ना प्रभु श्री रामचंद्र जो उन्होंने राक्षसों के साथ किया, तो उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य डिस्ट्रक्शन नहीं था, उनका रावण राक्षसों का विनाश नहीं करना ये उद्देश्य नहीं था, और उनका उद्देश्य क्या था, हार्मोनाइजेशन, कि वो राक्षस दूसरों को उध्वस्त न करे। हमें तुम्हारा तुमको उध्वस्त नहीं करना है, तुम्हें हमें उध्वस्त नहीं करना चाहिए। तो जो उन्होंने देखा कि ऐसे नहीं है कि सारे राक्षस जात, राक्षस का कुल है वही बुरा है, वो राक्षस कुलों का राजा बुरा था और उनके कुछ अनुयायी बुरे थे, तो उनका विनाश कर दिया। और फिर उसके बाद में उसी ग्रुप से विभीषण को राजा बना दिया। तो प्रभु श्री रामचंद्र क्या है, ये उनका जनरोसिटी था, जब वो राक्षस हार गए थे तो उनका पूरा विनाश कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसे नहीं किया। प्रभुपाद जी ने भी एक तरह से जूहू का मंदिर था उसके लिए युद्ध किया, प्रभुपाद जी ने, वो जो मिस्टर एन थे, तो क्या हुआ, वो पॉलिटिशियन जैसे थे, और वो पॉलिटिशियन सेकंड कैटेगरी नॉट फर्स्ट कैटेगरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैनिपुलेशन। तो वो क्या कर रहे थे मिस्टर एन, वो पैसा लेके ज़मीन भी देने के तैयार नहीं थे वो। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा अगर वो कृष्ण का ज़मीन, वो भगवान की ज़मीन, भगवान के मंदिर की ज़मीन अगर चुराने का प्रयास करता है तो उसको मेरे मृत शरीर के ऊपर से जाना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी का युद्ध करने के लिए उनका डिटर्मिनेशन था। तो वो मिस्टर एन का कुछ हार्ट अटैक आ गया, उनकी मृत्यु हो गई, पर जो उनकी पत्नी थी वो, उसने सोचा, उसको लॉयर ने कुछ ऐसे एडवाइस दे दिया उसका, और उसने क्या गुंडों को भेज दिया मंदिर को उध्वस्त करने के लिए। और फिर तभी प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बड़ा उसके लिए अपने जीवन जोखिम में डाल के संरक्षण किया, और क्या उससे पीआर पूरा उसके खिलाफ हो गया कि मंदिर को उध्वस्त कर रहे हैं। और जब उसने देखा तो फिर वो मिसेस एन प्रभुपाद जी से मिलने आ गए, बोले कि मुझे आप माफ़ कर दो। और प्रभुपाद जी ने तभी ये नहीं कहा कि तुम तो नरक में जाने वाले हो, तुमने मंदिर उध्वस्त करने का प्रयास किया, तुम्हारे लिए कोई उद्धार का मौका नहीं है। नहीं, अभी प्रभुपाद जी को किसी के प्रति घृणा नहीं थी। प्रभुपाद जी का यू आर लाइक माई डॉटर, तुम मेरी बेटी के समान हो, आई विल टेक केयर ऑफ यू।
तो क्या है कि हमें कभी युद्ध भी करना पड़ सकता है, पर हमें किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है। क्या है कि घृणा रखेंगे तो उससे हम दूषित हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से युद्ध करो, पर निर्वैरह सर्वभूतेषु, किसी को शत्रु मत मानो। कोई शत्रु हो सकता है, शत्रु हो सकता है तो उनसे युद्ध करना पड़ता है, पर हमारे मन में घृणा या बदला का भावना नहीं लाना है। हमें क्या करना है, जैसे जो ऋषि रामचंद्र म्यूनिफिसेंस दिखाया है वह दिखाना है। और अभी मैं जब भी अमेरिका में जाता हूँ तो अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जब न्यूज़पेपर्स है ना, वो हमेशा काफ़ी समय भारत के खिलाफ रहते, तो वो कहते भारत में हिंदू मुस्लिम्स का हमेशा झगड़ा होते रहता है। तो जब मैं अमेरिका में जाता हूँ, ये सवाल आता है कई बार, मैं बोलता स्टेटिस्टिक्स कोट करता हूँ कि एक्चुअली अमेरिका में ब्लैक्स और वाइट्स में जो टेंशन होता है, वो अगर अमेरिका का पॉपुलेशन का कितना पॉपुलेशन है, भारत का पॉपुलेशन कितना है देखें, तो एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन जो इंडिया में रिलीजियस टेंशन है वो अमेरिका में रेशियल टेंशन से बहुत कम है, पर उसको बहुत बड़ा कर दे। टेंशन ज़रूर है पर उसको हमें बदला का भाव नहीं रखना है। कि क्या है म्यूनिफिसेंस, जब हम भी प्रचार करते हैं तो कभी कभी हमारा भक्तों से झगड़ा हो जाता है कभी कभी। मैं एक मीडिएशन कर रहा था दो भक्तों के बीच में, और एक भक्त पूछे दूसरे से, मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो गए हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या किया है जिसकी मैं इतना गुस्सा हो गया, तुम मुझसे इतने गुस्से हो गए। तो दूसरे भक्त ने बताया, यू एग्जिस्ट, तुमने क्या किया है कि तुम अस्तित्व में हो इसे तुमसे गुस्सा हो गया। तो अगर ऐसा भाव रखेंगे तो कभी हमें, कभी हम भक्तों के बीच में भी हम एकाग यूनिटी कभी नहीं ला सकते। कभी कभी हमको लग सकता है कि ये ना, कि ये लोग हमारे शत्रु हैं। हाँ हो सकता है, पर अगर मान लीजिए कल सुबह हम उठते एक मैजिक से कि सारे विश्व में जो भी चीज़ें हैं लोगों को डिवाइड करती है, वो धर्म हो सकता है, जाति हो सकते है, राष्ट्रीयवाद हो सकता है, वो सारे चीज़ें जो लोगों को डिवाइड कर रही है वो सारी चली जाती है। कल सुबह हम उठते एक मैजिक से सब लोग एक ही धर्म के हैं, सब लोग एक ही जाति के हैं, सब लोग एक ही देश के हैं, तो क्या उससे सारा संघर्ष दुनिया से चला जाएगा? नहीं, कल दोपहर तक हम कारण ढूंढेंगे और झगड़ा करने लग जाएंगे। तो क्या है, तो डिसयूनिटी, जो झगड़े होते हैं वो इस जगत में अनिवार्य है। सो हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स इज नॉट द प्रॉब्लम, हाउ वी डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स इज द प्रॉब्लम। के मतभेद होने ही वाले हैं, वो कोई धर्म दो धर्मों के बीच में हो सकते हैं, एक ही धर्म के बीच में हो सकते हैं, और कभी कभी एक ही समुदाय एक ही ग्रुप में हो सकते हैं। तो क्या है कि हमें एक स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी रखना है, म्यूनिफिसेंस रखना है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट। तो कभी कभी हम कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम कोऑपरेट कर सकते हैं। मतलब क्या कि कोऑपरेट मतलब एक तरह से साथ में काम करना, पर साथ में अगर काम नहीं कर सकते तो कोऑपरेट मतलब तुम यहाँ पे ऑपरेट करो, मैं यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ, और हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सेवा करने के लिए मौका है। तो क्या है कि किसी के, हमें किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना है, किसी का अपना शत्रु नहीं मानना है। कुछ लोग हमें विरोध कर सकते हैं, और अगर विरोध कर सकते हैं तो हमें झगड़ा, कभी कभी हम कॉन्फ्रंट करना पड़ सकता है। पर जब आई कंक्लूड विद दिस पॉइंट, हम जब फाइटिंग होता है तो फाइटिंग इज फॉर अ पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए हम युद्ध कर रहे, नॉट अगेंस्ट अ पर्सन। हम जो युद्ध कर रहे हैं, हम किसी उद्देश्य के लिए युद्ध कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे हैं। अभी जब पांडवों ने युद्ध किया, वो कौरवों के खिलाफ युद्ध नहीं था, वो धर्म के लिए युद्ध था। उनका उद्देश्य था धर्म की प्रस्थापना करना, और कौरव धर्म का विरोध कर रहे थे इसलिए उनसे युद्ध हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र का युद्ध राक्षसों से नहीं था, वो अधर्म से था, और जो राक्षस अधर्म कर रहे थे उनका उन्होंने दमन किया। पर ऐसे नहीं कि राक्षस कुल का ही विनाश कर दिया। तो जेनरोसिटी मतलब क्या है, म्यूनिफिसेंस, जो उदार चित्त है, उसका मतलब क्या है कि आफ्टर अ बैटल इज ओवर, अगर एक बार जीत हो गई है
तो फिर दूसरे के विनाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नो, लिव एंड लेट लिव. तो हमें ऑफकोर्स प्रोटेक्ट करना है खुद को, बट लिव एंड लेट लिव. हम ये भक्तों के बीच में भी ज़रूरी है. कभी कभी क्या होता है कि एक भक्त के दूसरे भक्त का झगड़ा हो जाता है और फिर एक भक्त को कोई पावरफुल पोजीशन मिल जाता है तो कभी कभी दूसरे भक्त का पूरा शोषण करने लगता है वह. तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं. हम यहाँ पे हमारा पावर किसी पे दिखाने के लिए नहीं आए हैं. हम यहाँ पे भगवान से संबंध जोड़ने के लिए आए. तो ज़रूर कभी कभी हमारा कभी कभी एक भक्त मुझे बताए थे, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं ऑस्ट्रेलिया से अभी आया, लेकिन क्या है कि हमारे कृष्ण भावनात आंदोलन में कैसे कृष्ण ने कुछ लीला कुरुक्षेत्र में की, किस लीला वृंदावन में की. तो हमें हमारे मंदिरों में कुरुक्षेत्र और वृंदावन दोनों साथ में रखना पड़ता है. तो क्या है, हमें कभी कभी युद्ध भी करना पड़ता है, पर जो वृंदावन का रस है उसको हमें छोड़ना नहीं है. तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर हम हमारा उद्देश्य जानते हैं. मेरा हमारा शत्रुत्व किसी व्यक्ति से नहीं है. अगर हम कुछ युद्ध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें हमारी सेवा करनी है. प्रभुपाद जी जब वृंदावन में गए थे तो मायापुर में गए थे तो कभी कभी उनके थोड़े गुरु भाई थे, वो उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी हो रहा था कि हम तो इतने वरिष्ठ भक्त हैं, हम जो आजीवन सन्यासी रहे और ये कौन. उनके दृष्टि से क्या था, प्रभुपाद जी एक नए भक्त जैसे थे. तो प्रभुपाद जी की दीक्षा 1932 में हुई थी और जो प्रभुपाद जी गुरु भाई थे उनकी दीक्षा 1920 1921 1919 में हुई थी. और वो आजीवन सन्यासी, तो ये कौन नए भक्त आ गए, इतने बड़े प्रचारक बन गए. तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी था उनको. तो कभी कभी प्रभुपाद जी थोड़ी निंदा किया करते थे. तो प्रभुपाद जी ने और वो कहते थे, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुमको कृष्ण की अलग अलग कहानियाँ बताएंगे, हम तुमको और आगे बढ़ाएंगे. तो जब ऐसे हुआ, एक गुरु भाई ने उन्हें ऐसे किया, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि उनके पास तुम कभी मत जाओ. ही इज़ लाइक अ एनवियस स्नेक, वह एक ईर्ष्यालु सांप के समान है. अब एक तरह से ये बहुत बड़ी निंदा हो गई किसी वैष्णव को बोलना ईर्ष्यालु सांप के समान है. तो फिर बाद में क्या हो गया, वो जो उनके गुरु भाई थे, सन्यासी थे, वो उनका देहांत हो गया. तो फिर भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद वेयर डिड ही गो, कहाँ गए वो. कभी कभी क्या, जो जिनको हम बुरा मानते हैं वो नरक में गए, सुनने में उनको बड़ा आनंद लगता है. तो प्रभुपाद जी बड़े गंभीर थे. प्रभुपाद जी बोले कि वो भगवत धाम गए. और भक्त बड़े आश्चर्य को तो बोले कि प्रभुपाद यू कॉल्ड मैन एनवियस स्नेक, आपने उनको बोला कि वो ईर्ष्यालु सांप है, तो भगवत धाम कैसे गए. प्रभुपाद जी बोले कि मेरे गुरुदेव जो है बड़े शक्तिशाली है और उन्होंने मेरे गुरुदेव की सेवा आजीवन की है. तो प्रभुपाद जी क्या था, वेन इट केम टू प्रोटेक्टिंग हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों का संरक्षण करना है, तो तभी उन्होंने कहा कि वो एक ईर्ष्यालु सांप के समान है, उनके पास आप मत जाओ. पर इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभुपाद जी पूरी तरह से, एक तरह से उन्होंने जो उनके गुरुदेव की सेवा की थी वो नहीं देख रहे थे. ये मेरे गुरु उनके जो शिष्य थे, उनके जो प्रभुपाद जी की जो अनुयायी है, वो क्या है कि अगर हम कहते हैं ये भक्तिसदानंद सेठ ठाकुर हैं, ये प्रभुपाद हैं और ये उनके गुरु भाई हैं, तो अभी प्रभुपाद जी के द्वारा उनके जो डिसाइपल्स हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि तुम उनके साथ मत जाओ. मतलब यहाँ पे उन्होंने एक बैरियर लगा दिया कि तुम उनके पास मत जाओ क्योंकि वो तुम्हें पदभ्रष्ट कर देंगे, वो तुम्हें मोहित कर देंगे. ये इसलिए नहीं बता रहे थे कि वो बुरे व्यक्ति हैं, तुम्हारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा. मैं तुमको एक चीज़ बताऊंगा, वो कला चीज़ बताएगी, तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे. पर प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं सोचा कि यहाँ पर कोई संबंध है ही नहीं, ऐसे नहीं था. प्रभुपाद जी नहीं सोच रहे थे. प्रभुपाद जी क्या देख रहे थे कि वास्तव में उनका उनके गुरुदेव से संबंध ज़रूर है और उन्होंने गुरुदेव की सेवा की है, भले ही वो मेरी सेवा का विरोध कर रहे थे, मेरी सेवा में व्यत्यय ला रहे थे. तो क्या है, प्रभुपाद जी समटाइम्स ही स्पोक स्ट्रांगली बट ही वॉज फाइटिंग नॉट अगेंस्ट अ पर्सन. ये बता रहा था मैं, प्रभुपाद जी फाइटिंग कर रहे थे, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर रहे थे, वो एक उद्देश्य के लिए कर रहे थे. वो मेरी सेवा को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारा शत्रु से कोई शत्रुत्व नहीं है मेरा. तो ये भाव हमें रखना ज़रूरी है कि जो म्यूनिफिसेंस होगा, ये जनरोसिटी होगी, जो उदार दिल होगा, तो उससे क्या होगा, जो है समस्या भी खत्म हो गई तो उसको वापस और पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है. हम अपनी सेवा करते हैं, हम धर्म का प्रचार करके हमारे हृदय में और समाज में जो है धर्म को और प्रस्थापित कर सकते हैं. तो सारांश में 3 पॉइंट्स की आज मैं चर्चा की. कैसे, कि पहला क्या था, किसी को बताए,
रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब क्या, कि हमें हार भी हो तो फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक. तो हमने ये चार स्तर पे देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जो थे उनका एग्जाइल था, उसमें कैसे उन्होंने क्या किया, साधुओं की सेवा की, साधुओं का संग लिया और फिर दुनिया को राक्षसों से मुक्त किया. तो उसके बाद में उनका विक्टोरियस रिटर्न था. तो एक्चुअली ये तो प्रभु श्री रामचंद्र का एग्जाइल था. और फिर श्रील प्रभुपाद गोइंग टू अमेरिका, उनके लिए एक तरह से वो एक स्पिरिचुअल एग्जाइल था, क्योंकि आध्यात्म में किसी वहाँ पे किसी को राम के पता, कृष्ण के बारे में पता नहीं है, राम के बारे में चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं है. पर फिर भी क्या किया प्रभुपाद जी ने, वहाँ पे बड़ा प्रचार किया और वो विक्टोरियसली रिटर्न हुए. और फिर हमने देखा कि जो ये हुआ था कि एक ऐसा समय था कि जहाँ पे मंदिर होने वाला था वहाँ पे कुछ था ही नहीं, लॉर्ड राम वॉज नॉट देयर, बट फिर भी देयर इज़ अ विक्टोरियस रिटर्न. अभी जो मंदिर बनने वाला है वहाँ पे. और हमारे जीवन में हमने देखा इसका मतलब क्या है. रेजिलियंस के लिए दो एक्सट्रीम्स है, हम प्लान्स से अटैच होते हैं, अटैच टू प्लान्स वो बुरा है, और अपैथेटिक टू पर्पस, हमारा जो उद्देश्य है उससे ही हताश हो जाते हैं. तो रेजिलियंस रखना है तो क्या करना है हमको, फिक्स्ड इन पर्पस और फ्लेक्सिबल इन प्लान्स. तो अगर ऐसा रखेंगे हम फिक्स्ड इन पर्पस तो, और हमारा जो प्लान्स है उसके लिए हम फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये सेवा नहीं हुई इस तरह से नहीं तो उस तरह से करेंगे, ऐसा अगर हम भाव रखेंगे तो हम सब जो है हमारे जहाँ जो भी परिस्थिति उसमें हम प्रगति कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट क्या था किसी को पता है, एडियरेंस. एडियरेंस मतलब प्रभु श्री राम क्या है कि जब हम हमारे जो भी उद्देश्य है धर्म है, वी आर स्टडी इन धर्मा, हम हमेशा एकाग्र रहते हैं. तो हम देखा प्रभु श्री रामचंद्र क्या है, नो फैसिलिटी बट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको राज क्षत्रिय की कोई सुविधा नहीं थी पर क्षत्रिय की जिम्मेदारी जो थी वह स्वीकार कर रहे थे. श्रील प्रभुपाद देखे हमने क्या है कि नो फैसिलिटी पर फिर भी क्या है, उनके पास कुछ अनुयायी नहीं थे जब अमेरिका गए, पर फिर भी क्या था, ही वॉज ग्रेटफुल फॉर अपॉर्चुनिटी. उनकी जिम्मेदारी का भाव था और देखा कि कम से कम मैं अमेरिका आ तो गया हूँ. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी क्या था, हमने देखा कि कई चीज़ों के कारण जो स्टेट से हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, पर फिर भी क्या है वो जिम्मेदारी का भाव रखा और फिर उससे परिवर्तन आ गया. हमारे जीवन में भी हमें देखना क्या है कि हम रिजेंटफुल, हम घृणा हो सकती है रिजेंटफुल की नो फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी कोई सुविधा नहीं मिल रही है इसलिए, या हम ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हमें हम सबके पास कुछ ना कुछ सेवा करने का तो मौका है. और आखिरी पॉइंट हमने देखा क्या था, म्यूनिफिसेंस. म्यूनिफिसेंस मतलब क्या है कि हमें एक उदार दिल का भाव रखना है. हमने देखा किसी प्रभु श्री रामचंद्र जो थे उन्होंने राक्षसों के साथ जो बर्ताव किया उन्होंने किसी का विनाश नहीं किया, उन्होंने वो जो था उनमें से ही राक्षसों में ही एक को राजा बना दिया उन्होंने. उसी तरह से हम देखा श्रील प्रभुपाद वो मिसेज एन के साथ और फिर उनके उनके जो गॉड ब्रदर थे उनके साथ भी क्या है? उन्होंने देखा कि ठीक है वो मेरा विरोध कर रहे हैं पर उन्होंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया. तो हमें क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, इट इज़ अल्टीमेटली जो हमारा पर्पस जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं है किसी का, किसी का विनाश नहीं, क्या है वो हार्मोनाइजेशन है, हमें धर्म का इस्टेब्लिश करना है. इसीलिए क्या करना है, अगर फाइटिंग भी करना है हमें तो फाइटिंग इज फॉर अ पर्पस, जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, न कि अगेंस्ट अ पर्सन. अगर किसी के खिलाफ हम करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी चेतना दूषित हो जाती है और उससे कभी जो रेजोल्यूशन है वह नहीं आएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.